गाइस, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोग जर्मन शेफर्ड को कम से कम कितने प्राइस में परचेज करना चाहते हैं, तो आई नो आप लोगों का जवाब होगा 4,000, 5,000 या 6,000। बिकॉज ऐसे मैसेजेस मेरे पास हर रोज आते हैं कि भाई कम से कम प्राइस में कोई अच्छी क्वालिटी के जर्मन शेफर्ड पपीज लेकर आओ। तो आज के वीडियो देखने के बाद आई एम श्योर आप लोगों की ये शिकायत भी दूर हो जाएगी, बिकॉज आज के इन पपीज का प्राइस बहुत ही कम है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो देखने के बाद फटाफट डॉग ओनर से कॉन्टेक्ट करके इन पपीज को परचेज कर लो, अगर आप लोगों को एक जर्मन शेफर्ड की रिक्वायरमेंट है तो, क्योंकि इतने कम प्राइस के पपीज ज्यादा देर तक अवेलेबल नहीं रहते। वैसे माय डियर फ्रेंड्स, अगर इन पपीज के कोट के बारे में बात करें तो इनमें जो मेल है वो डबल कोट में है और जो फीमेल है वो है मीडियम कोट में। एंड गाइस, आप लोग सिर्फ जर्मन शेफर्ड को ही नहीं बल्कि किसी भी डॉग ब्रीड को लो प्राइस में परचेज करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें एंड साथ में बेल के आइकन को प्रेस करके उसे ऑल पर करें, ताकि आप लोगों को हमारी सभी वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। तो फ्रेंड्स, क्वालिटी के बारे में बात करें तो वैसे तो पपीज नॉर्मल पेट क्वालिटी में है, लेकिन अगर आप लोग प्राइस के अकॉर्डिंग देखोगे तो क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। तो आप में से जो भाई भी कम प्राइस में डॉग्स को परचेज करना चाहते थे तो इससे बेस्ट वीडियो आप लोगों को और नहीं मिलेगी। और गाइस, अगर आप लोग जर्मन शेफर्ड परचेज करें तो कुछ बातों का ख्याल जरूर रखें, जैसे कि उन्हें फीड के साथ साथ कैल्शियम और मल्टी विटामिन जरूर दें। और सेकंड चीज, हमारी आदत होती है कि हम लोग अपने छोटे पपीज को स्टेयर्स पर छोड़ देते हैं ताकि वो खुद से चढ़ें, लेकिन ये काफी गलत होता है। तो अपने पपीज को कम से कम 3 महीने तक खुद से स्टेयर्स पर ना चढ़ने दें। अगर आप लोग उन्हें छत पर ले जा रहे हैं तो उन्हें गोद में ही उठाकर लेकर जाएं और गोद में ही उठाकर नीचे लेके आएं। बिकॉज इसका रीजन ये है कि जब ये स्टेयर्स पर चढ़ते हैं तो इनके लेग्स पर काफी प्रेशर पड़ता है और इस टाइम इनकी बोन्स भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, तो इसी वजह से इनके लेग्स बेंड हो सकते हैं। तो प्लीज इस चीज का ध्यान जरूर रखें। और फ्रेंड्स, गर्मी में आप लोग अपने डॉग्स की डाइट का जरूर ध्यान रखें। अगर आप लोग इन्हें ज्यादा एक्सपेंसिव फूड नहीं दे सकते तो आप लोग इन्हें कर्ड, राइस या फिर पनीर वगैरह दे सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी डाइट है। वेल गाइस, प्राइसिंग वगैरह के बारे में बात करने से पहले, यह है हमारी पिछली वीडियो के टॉप 3 कमेंट्स, जिसमें से फर्स्ट है हैरी सिजवाली, सेकंड है पारस रजोरा एंड थर्ड है कुलदीप सिंह। तो दोस्तों, अगर इन जर्मन शेफर्ड पपीज की एज के बारे में बात करें तो ये 52 डेज के हो चुके हैं और इनकी जो लोकेशन है वो है नियर आगरा उत्तर प्रदेश से। एंड दोस्तों, ओनर आप लोगों को इन पपीज पर डिलीवरी प्रोवाइड नहीं करा सकते। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इन्हें परचेज करने के लिए तो आप लोगों को डायरेक्टली ओनर के पास विजिट करके इनकी क्वालिटी वगैरह चेक करके ही आप लोग इन्हें परचेज कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, प्राइसिंग की बात करें तो इनमें जो मेल है वो डबल कोट में है एंड ओनर जो इसके प्राइस की डिमांड की है वो किया 8,000 पीस 8,000 रुपए एंड फीमेल है वो है शॉर्ट कोट में और ओनर जो उसके प्राइस की डिमांड की है वो किया जस्ट 4,000 पीस यानी सिर्फ 4,000 रुपए। एंड गाइस, ये प्राइस भी फिक्स नहीं है, हो सकता है कि इसमें भी आप लोगों को थोड़ा बहुत डिस्काउंट जरूर मिल जाए। बाकी गाइस, क्वालिटी के हिसाब से आप लोगों को प्राइस कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। तो जल्दी मिलता है आप लोगों से एक और न्यू एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।